वेलकम टू द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश, दिस इज़ पंकज ओझा। आ गया हूँ आप सबके लिए लेकर ड्रिल 5, और इसमें अगेन TGT के और LT ग्रेड के GIC लेक्चरर से इम्पॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। ये देखिए आज का पहला क्वेश्चन, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर वॉट इज़ नॉट, अवर सिंसियरेस्ट लॉफ्टर विथ सम पेन इज फ्रॉट, फ्रॉम विच ऑफ शैलीज पोम आर दीज लाइन्स कोटेड। शैली के किस पोम से ये लाइन ली गई हैं हमें बताना है, जवाब दीजिए, रिस्पॉन्ड इमिडिएटली, कहाँ से ये लाइन्स ली गई हैं आपको जवाब देना है। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर वॉट इज़ नॉट, हमेशा हम उस चीज़ की तलाश में होते हैं जो नहीं है हमारे पास। कहने का मतलब जो इच्छाएं हैं, जो डिज़ायर्स हैं, दे डोंट हैव एनी लिमिट्स, वो हमेशा ही चलती रहती हैं, हमेशा हम उस चीज़ के लिए प्रयासरत रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। और जो हमारी सबसे सिंसियर हंसी भी होती है उसमें भी कुछ ना कुछ दर्द जरूर छिपा रहता है। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन है, इस तरह की बातें पीबी शैली ने कहाँ पर कही है, किस पोम में कही है, टू ए स्काईलार्क, मॉन्ट ब्लैंक, क्वीन कैब, द क्लाउड, आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 में दोस्तों जिन दोस्तों के जवाब यहाँ पर ए आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, टू ए स्काईलार्क से ये लाइन ली गई है। इसको पूरा लाइन बाय लाइन मैंने LT ग्रेड के सिलेबस में पढ़ाया हुआ है। और दोस्तों अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी आपको बता दें, कोई नहीं बताएगा क्योंकि आज की जो दुनिया है इतनी कॉम्पिटिशन वाली, यूट्यूब पर भी कॉम्पिटिशन है, आप तैयारी कर रहे हैं जिस एग्ज़ाम की वहाँ भी कॉम्पिटिशन है, कोई सच आपसे नहीं बताएगा। जो बुक्स हैं वो भी उनका भी बहुत बड़ा रोल है, हमारे हाथ से बुक छूटती जा रही है, और कोई पर्टिकुलर बुक है उस बुक को कैसे पढ़ना है ये भी कोई बताने वाला आपको होना चाहिए। कोई भी बुक पेज नंबर 1 से लास्ट पेज तक पूरी नहीं पढ़ी जाती, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आज के डेट में जबकि सिलेबस इतना ब्रॉड है, खासकर LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, UGC नेट, वहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको एक तरह से हथियार की तरह है, कैसे उसे यूज़ करना है इसमें आपकी सफलता निर्भर करती है। तो ये सारे पहलू आपको ध्यान में रखने हैं और उसको ध्यान में रख के ही तैयारी करनी है। अपार्ट फ्रॉम आवर वीडियो लेक्चर्स, बुक्स का इम्पोर्टेंस, कोई भी अगर कहे कि बुक्स नहीं, हमारे वीडियो लेक्चर्स ही पर्याप्त हैं, तो वो ठीक नहीं है, बुक्स का अपना रोल है। तो ये जहाँ तक पोम्स की बात है, बाकी चीज़ों की बात है, ये सारी चीज़ें हमने ऐप में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दी हैं, और बाकी चीज़ें 10% लगभग अभी सिलेबस LT ग्रेड का जो रिमेनिंग है वो हम एग्ज़ाम तक पूरा कर देंगे। और ग्रामर में भी कुछ वीडियोज़ पढ़नी है, वो वीडियोज़ हम ग्रामर में और GS में भी एग्ज़ाम तक पूरा डाल देंगे। तो हमारे पास और शायद सिर्फ हमारे पास LT ग्रेड का पूरा सिलेबस आपको एग्जाम तक कंप्लीट मिलेगा, पूरा कंप्लीट, ओके। और अगेन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारा कूपन कोड है VASU70 ये अभी भी चल रहा है, आप इस कूपन कोड को अप्लाई करके हमारे LT ग्रेड और TGT के मुख्य कोर्सेज में 70% का डिस्काउंट पा सकते हैं। और आपके लिए एक और खुशखबरी देनी है, हमारा जो वोकैब के प्रति डेडिकेटेड चैनल, उसमें ग्रामर के वीडियो भी डाले जाएंगे, वो है वोकैब सिंप्लीफाइड, VOCAB, वोकैब सिंप्लीफाइड, SIMPLIFIED, वोकैब सिंप्लीफाइड, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस पर आज से वीडियो पढ़नी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लोगों की वोकैब इतनी कमज़ोर है कि हमने पूरा का पूरा चैनल ही वोकैब पर डेडिकेट करने का निश्चय किया है, और वहाँ पर 90% क्वेश्चंस वोकैब से रिलेटेड होंगे, 10% ऑफ कोर्स हम ग्रामर भी कवर करेंगे वहाँ पर, या मोर देन 10%, लेकिन वोकैब को वहाँ पर, चूँकि चैनल का नाम ही वोकैब सिंप्लीफाइड है, सिंपल से सिंप्लीफाइड बना है, तो उसको वोकैब के लिए डेडिकेटेड है। तो इस चैनल को आप सर्च करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वोकैब सिंप्लीफाइड, ओके। और इस पर वीडियोज़ वोकैब, और आपको वोकैब इतनी आसानी से यहाँ समझाई जाएगी, पूरी मैं कोशिश करूँगा जितनी भी आसानी से मैं वोकैब समझा सकूँ उतनी आसानी से आपको समझाऊँगा, अपना पूरा मैं कोशिश करूँगा कि कितनी आसानी से आपको कौन सी वोकैब मैं समझा सकूँ। तो ये चैनल आप ज़रूर वोकैब सिंप्लीफाइड आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वोकैब सिंप्लीफाइड की। तो इस क्वेश्चन में 2 स्काईलार्क की लाइनें हैं, ओके आगे चलते हैं। द कर्टल सॉनेट इज़ अ फॉर्म इन्वेंटेड बाई गेरार्ड मैनले हॉपकिंस एंड यूज्ड इन 3 ऑफ हिज पोम्स। कर्टल सॉनेट्स के बारे में अगर हम बात करें
तो जीएम हॉपकिंस ने इसे इन्वेंट किया और अपनी 3 पोम्स में इसको यूज किया, जिसमें कितनी लाइनें होती हैं ये आपसे पूछा गया है, तो 10 and a half लाइन होती है, 10 and a half लाइन, कहीं कहीं 11 लाइन भी आपको मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 10 and a half लाइन, ये बिल्कुल जो टिपिकल आपको मिलेगा कर्टल सोनेट, उसमें 10 and a half लाइन ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द सब टाइटल ऑफ यूजीन ओनील्स द हेरी ऐप इज, क्योंकि आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस में है द हेरी ऐप, तो इसका सब टाइटल आपको जानना चाहिए। आपके आपसे पूछा जा सकता है द ट्रेजेडी ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न लाइफ, द कॉमेडी ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न लाइफ, क्वेस्ट फॉर एंशियंट लाइफ, आइडेंटिटी इन द वर्ल्ड। तीन क्वेश्चन नंबर 3 के ये चारों विकल्प हैं और आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं, द कॉमेडी ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न लाइफ। ओके, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, द अबव कंक्लूडिंग लाइन्स आर ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो ये बहुत क्लीशे टाइप क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत सारे टीचर्स ने पूछा होगा यूट्यूब पर, तो आपको मालूम होगा, तो इसको हम सीधे जवाब देते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे यहाँ रखा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो यहाँ द सोलिटरी रीपर सही आंसर होगा। लेट्स मूव ऑन विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड व्हेन टू कॉन्ट्रडिक्टरी क्वालिटीज आर प्रिडिक्टेड एट वंस ऑफ द सेम थिंग। देखिए, एट वंस पे जोर दीजिए, प्रिडिक्टरी क्वालिटीज़ प्रिडिक्ट, जो कॉन्ट्रडिक्टरी क्वालिटीज़ प्रिडिक्ट की जाती हैं एंटीथेसिस में भी, लेकिन एट वंस ऑफ द सेम थिंग, ये जो चीज़ है ये अलग करती है इसको एंटीथेसिस को किससे, ऑक्सीमोरॉन से। यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन होगा क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है, व्हेन टू कॉन्ट्रडिक्टरी क्वालिटीज़ आर प्रिडिक्टेड एट वंस ऑफ द सेम थिंग। What is the name of the beautiful pastoral forest in the As You Like It? As You Like It में जिस pastoral forest का जिक्र है उसका नाम क्या है? Again an easy question, the forest of Avon, the forest of Arcadia, the forest of Arden, the forest of Amazon. तो undoubtedly यहाँ पर question number 6 का जिन दोस्तों ने सी जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है, the forest of Arden is the right answer. His novels belong entirely to the humanitarian movement of the Victorian era. Who holds this view about Charles Dickens? Who said about Charles Dickens that his novels belonged entirely to the humanitarian movement of the Victorian era? Who had this opinion about Charles Dickens? Question number 7, I.A. Richards, T.S. Eliot, Matthew Arnold, W.H. Hudson. क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्ड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें दोस्तों अगर, तो क्वेश्चन नंबर 7 में डी जवाब देने वाले सबके सब सही है, W.H. Hudson इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एन ओड, उस ओड की उस क्वालिटी को बताना है जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव है, कहने का मतलब दूसरे जॉनरा से ओड्स को अलग करने में सबसे ज़्यादा सहायक है। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ओड क्या है? इट इज़ लॉन्गर दैन अ लिरिक, इट इज़ द फॉर्म ऑफ, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, इट इज़ रिटन ऑन अ हिस्टोरिकल थीम, इट इज़ रिटन ऑन अ सबलाइम सब्जेक्ट। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो दूसरे जॉनरा से ओड को अलग करता है, मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, लिरिक एड्रेस के फॉर्म में नहीं होती। ओके, हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट हु हैज़ रिटन पिंडारिक ओड इन इंग्लिश। इंग्लिश में पिंडारिक ओड लिखने वाले जो मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट हैं उनका नाम बताना है, जॉन कीट्स, थॉमस ग्रे, विलियम कॉपो, वॉल्टर स्कॉट। कौन हो गए? तो यहाँ पे अनडाउटेडली अगेन दिस इज अ क्वेश्चन विच इज एन ईजी वन, थॉमस ग्रे इज द राइट आंसर। What is the meaning of the title La Bella Damson's Mercy? La Bella Damson's Mercy का जो meaning है इस title का क्या है, आप बताइए। A beautiful maiden seeking a lover, a beautiful maiden full of mercy, a beautiful maiden without mercy, a beautiful maiden full of beauty. Question number 10. तो question number 10 में यहाँ C जवाब देने वाले सबके सब सही हैं, a beautiful maiden without mercy. और जॉन कीट्स की ये पोम
कोपरी राफेलाइट्स ने बहुत तो प्रेज किया है, बहुत तारीफ़ की है, जो कि आर्ट फॉर आर्ट सेक का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, चाहे इनकी ओट्स हो या ला बेले डेमसन्स मर्सी हो। बिबलिकल थीम्स वर इनैक्टेड इन मॉरेलिटी प्लेज, द इंटरलूड्स, द मिरेकल प्लेज, द मिस्ट्री प्लेज। जो बिबलिकल थीम हैं वो किन प्लेज की विशेषता रही हैं, किन प्लेज में बिबलिकल थीम रही है? मॉरेलिटी प्लेज में, इंटरलूड्स में, मिरेकल प्लेज में, द मिस्ट्री प्लेज में? क्वेश्चन नंबर 11 को रिस्पॉन्ड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में मिस्ट्री प्लेज इज़ द राइट आंसर। ओके, बिबलिकल थीम मिस्ट्री प्लेज में रही है, ध्यान में रखिएगा। गैल्सवर्दीज प्ले द प्रिजन डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ, किस समस्या से डील करता है गैल्सवर्दी का प्ले द प्रिजन? एविल ऑफ इलिसिट लव, इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ शेल्टर होम्स एंड शॉर्ट कमिंग्स इन द पुअर लॉ, लेबर एंड कैपिटल कॉन्फ्लिक्ट, इनफिडेलिटी इन हस्बैंड एंड वाइफ्स रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 12 को रिस्पॉन्ड करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में बी जवाब देने वाले यहाँ सब सही हैं, और ये बी जवाब होगा इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ शेल्टर होम्स एंड शॉर्ट कमिंग्स इन द पुअर लॉ। द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ जॉन मिल्टन्स पैराडाइज रीगेन्ड बिगिंस विद व्हाट्स टॉपिक, जो फर्स्ट स्टैंजा है जॉन मिल्टन्स के पैराडाइज रीगेन्ड का किस टॉपिक से बिगिन होता है? ब्रीफ समरी ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सैटर्न, अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ मिल्टन हिमसेल्फ, डी ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 13, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो यहाँ पर ए जवाब देने वाले सबके सब सही हैं, अ ब्रीफ समरी ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। फ्रॉम विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इज दिस फेमस लाइन, डिड माई हार्ट लव टिल नाउ, फार स्वेयर इज इट साइट, फॉर आई नेवर सॉ अ ट्रू ब्यूटी अनटिल दिस नाइट। सो रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, शेक्सपियर के किस प्ले से ये लाइनें हैं? डिड माई हार्ट लव टिल नाउ, फार स्वेयर इट साइट, फॉर आई नेवर सॉ अ ट्रू ब्यूटी अनटिल दिस नाइट। ये कहाँ से लाइनें हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं, रोमियो एंड जूलियट इज़ द राइट आंसर। रोमियो एंड जूलियट, यहाँ पर रोमियो ये लाइन बोलता है कि हमने इस तरह की सुंदरता इसके पहले कभी नहीं देखी, तो इस तरह के कुछ बातें करता है वो। थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल्स गॉरबुटक 1561, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजडी इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, रोमांटिक ट्रेजडी, सैनिकन ट्रेजडी, डोमेस्टिक ट्रेजडी, सोशल ट्रेजडी, किसका एग्जाम्पल है? क्वेश्चन नंबर 15 को रिस्पॉन्ड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें अगर दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 15 में बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं, सैनिकन ट्रेजडी का एग्जाम्पल है थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल की गॉरबुटक जो है 1561 में आई, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजडी है और सैनिकन ट्रेजडी का बर्निंग एग्जाम्पल है। इट इज़ बेटर टू रेन इन हेल दैन टू सर्व इन हेवन is the example of, किस फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है? इट इज़ बेटर टू रेन इन हेल दैन टू सर्व इन हेवन। इन्यूएंडो, टॉटोलॉजी, मेटाफर, एंटीथेसिस। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर डी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं, एंटीथेसिस इज द राइट आंसर। द फर्स्ट इंस्टांस ऑफ फीमेल क्रॉस ड्रेसिंग विद द disconcerting nuance of a boy actor dressing as a boy while playing the role of women in the dramatic world of Shakespeare occur in, कहाँ पर होता है ये? देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है। पहला उदाहरण पूछा जा रहा है कौन सा है, फीमेल क्रॉस ड्रेसिंग का, जहाँ पर a boy actor dressing as a boy, एक लड़का लड़के को ही ड्रेस पहनता है लेकिन वो रोल एक लड़की का कर रहा होता है, कहने का मतलब एक महिला का रोल कर रहा होता है, लेकिन क्रॉस ड्रेसिंग की वजह से उसे पुरुष का रोल करना पड़ता है, लेकिन होता वो लड़का ही है। पहले क्या था, पहले के प्लेज में जो महिलाओं का रोल है वो भी पुरुष ही किया करते थे, इवन इन ब्रिटिश सोसाइटी। तो ये चीज़ थी, वही सेम चीज़ थी कि लेडी का रोल था तो एक लड़के को दिया गया था, लेकिन क्रॉस ड्रेसिंग की वजह से उस जो लेडी का वो रोल कर रहा था उसे फिर से पुरुष का रोल करना था। तो इस तरह का पहला एग्जाम्पल शेक्सपियर के प्ले में कहाँ मिलता है ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देना है।
क्वेश्चन नंबर 17 द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना एज यू लाइक इट और 12th नाइट अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए तो यहाँ पर ए जवाब देने वाले सबके सब सही हैं ए यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना रेफर्स टू अ सब डिवीजन ऑफ एन एपिक और नरेटिव पोम कंपेरेबल टू अ चैप्टर इन अ नॉवल ये सब डिवीजन है एपिक और नरेटिव पोम का एक नॉवल के एक चैप्टर से इसकी तुलना आप कर सकते हैं इसे क्या कहेंगे कैंटो कैंजोन कैंटो कैंट तो यहाँ पर ये कैंटो सही आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 में ए जवाब देने वाले सबके सब सही हैं क्वेश्चन नंबर 19 इन द फॉलोइंग वर्ड्स मिल्टन डिस्क्राइब्स अ सर्टेन स्टेज इन हिज ओन लाइफ व्हेन डिड सच ए स्टेज अकर इन हिज लाइफ निम्नलिखित शब्दों में मिल्टन अपनी जीवन की एक विशेष अवस्था का जिक्र करते हैं आपको बताना है कि किस अवस्था का जिक्र वो निम्नलिखित शब्दों में कर रहे हैं दो फॉलन ऑन एविल डेज ऑन एविल डेज दो फॉलन एंड एविल टंग्स इन डार्कनेस एंड विद डेंजर्स कंपास्ट राउंड एंड सॉलिट्यूड आपको बताना है ये अपने जीवन की किस विशेष अवस्था का कब के किस समय की का ये जिक्र कर रहे हैं इन लाइनों में दो फॉलन ऑन एविल डेज दो फॉलन एंड एविल टंग्स इन डार्कनेस एंड विद डेंजर्स कंपास्ट राउंड एंड सॉलिट्यूड तो दोस्तों ये तब की बात कर रहे हैं एग्जाम यहाँ पर चारों विकल्प दिए हुए हैं व्हेन चार्ल्स फर्स्ट हैड बीन एग्जीक्यूटेड व्हेन क्रॉमवेल एस्टैब्लिश्ड द कॉमनवेल्थ व्हेन द एज ऑफ रेस्टोरेशन केम व्हेन हिज थर्ड वाइफ पास्ड अवे तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 19 में वो जिक्र कर रहे हैं जब रेस्टोरेशन एज आ गई तो जाहिर सी बात है कि उनके अच्छे दिन नहीं रह गए मिल्टन के तो उन दिनों का ये जिक्र कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं सुमन गेव वेंट टू हर फीलिंग बाय शाउटिंग एट शीला गेव वेंट टू गिव वेंट टू का क्या अर्थ होता है ये इस idiom का क्या अर्थ होता है गिव वेंट टू गिव वेंट टू का मतलब यहाँ पर क्या होगा तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में गिव वेंट टू का मतलब खासकर गुस्से की भावना को व्यक्त करना एक होता नहीं किसी पे गुस्सा निकालना तो वो गिव वेंट टू मीन्स गुस्सा निकालना तो उसने अपनी फीलिंग जो गुस्से वाली फीलिंग है कैसे निकाली शीला पर चिल्लाते हुए निकाली उस गुस्से वाली फीलिंग और वो कैब के लिए जैसे कि मैंने बताया वो कैब सिंप्लीफाइड वो कैप सिंप्लीफाइड करके हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी वो कैप बहुत आसान बहुत इजी मेथड से हम पूरी कोशिश करेंगे इजीएस्ट मेथड में आपको वो कैप तैयार करवा दें एग्ज़ाम्स के पहले तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए वो कैप सिंप्लीफाइड को थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू ऑल